हेलो एस्परेंट वेलकम टू सिंपल क्लासेस आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर ऑफ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा प्लान है अर्थ उसको हम पृथ्वी बोलते हैं ये एक्सैक्टली फेयर शेप का नहीं मतलब पूरा गोला नहीं है इसकी शेप कुछ इस प्रकार है नॉर्थ और साउथ पोल से ये फ्लैटेंड है और सेंटर से यानी मिडिल से ये बल्ज है उभरा हुआ है जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल तो से थोड़ा सा फ्लैट है और सेंटर से ये उभरा हुआ है तो हमारे प्लान की जो शेप है वो जिस प्रकार से है जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टडी करते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम इज हाउ टू लोकेट अटर लाइक अर्थ हमारी पृथ्वी जैसी जो शेप है इस पर अगर किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है चिन्हित करना है तो किस तरीके से करें किसी भी चीज को चिन्हित करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है जैसे हमें किसी को एड्रेस बताना है तो हम उसे बोलेंगे आगे से राइट right, चौराहे से लेफ्ट तो जब हमने बोला कि आगे से राइट right, आगे से तीसरे घर के बाद राइट तो जो भी हम इस तरीके की चीजें बताते हैं जिसका सहारा लेके हम एक्जेक्ट चीज बताते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जैसे हमने बताया चौराहा तो चौराहे से राइट बोलते टाइम चौराहा जो हुआ वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ इसी तरीके से जब हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंसेज देने होते हैं हमारी पृथ्वी को लेकर हमारी पृथ्वी में किसी चीज को चिन्हित करना है या बताना है किसी को कि ये चीज हमारी अर्थ पे कहाँ एग्जिस्ट करती है तो उसको हम कैसे करें इस चैप्टर के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मदद की वजह से हम लोग एग्जैक्टली exactly वो चीज पता कर पाते हैं कि कोई एक जगह कहाँ एग्जिस्ट करती है किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है जैसे की अर्थ है अर्थ पे अगर मैं कुछ बताऊँ की

जो ग्लोब के बीच में से गुजरती है और उस ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड अब जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो एक ऊपर का पार्ट होगा एक नीचे का पार्ट होगा ऊपर का पार्ट होगा नॉर्दर्न पार्ट नीचे का पार्ट होगा सदर्न पार्ट ऊपर के हाफ को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेर नीचे के हाफ को बोलेंगे सदर्न हेमिसफेयर और ये दोनों के दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे सदर्न हमिस्फेर इज इक्वल टू नॉर्दर्न हेमस्फेयर अब जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट वैन यू विश टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ अगर हम हाँ पृथ्वी पे किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे उसको लोकेट करने के लिए इक्वेटर भूमध्य रेखा एक बहुत ही जरूरी रेफरेंस पॉइंट होता है Equator represents zero degree latitude. ये हम आगे इमेज के रेफरेंस से समझेंगे डिटेल में. Next concept is parallels of latitude. Parallels of latitudes क्या होते हैं? These are parallel circles from the equator and they are extended to the poles. These are measured in degrees and equator which is also a latitude, it represents zero degree or zero degree latitude. इमेज के माध्यम से पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड समझेंगे इसको समझने में हमें और आसानी होगी जैसा की इमेज आप देख पा रहे हैं ये एक व्यू है हमारी अर्थ का पृथ्वी का ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट इक्वेटर भू मध्य रेखा मतलब ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को दो इक्वल हाफ में पार्ट देती है ये जीरो डिग्री लैटिट्यूड होती है मतलब इक्वेटर भी एक तरीके का लैटिट्यूड है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं दीज आर पैरेलल सर्कल्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड दे आर एक्सटेंडेड टू द पोल्स इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं यहां से और पोल्स तक जाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री नॉर्थ एंड देन एट द टॉप ज नॉर्थ पोल सब में एन क्यों है सब में नॉर्थ क्यों लिखा गया है क्योंकि हमने पढ़ा था इक्वेटर दो पार्ट में दो इक्वल हाफ में अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थनफेयर एंड सदर्न हेमिसक्वेटर के ऊपर का पार्ट नदन पार्ट को बोला जाता है नॉर्दन हेमिस्फेयर तो जितने भी लैटिट्यूड इक्वेटर के नदन हाफ में होंगे वो सारे नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे और अल्टीमेटली नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो इक्वेटर हमने देखा इक्वेटर क्या है वो भी अपने आप में एक लैटीट्यूड है इमेजनरी लाइन है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जीरो डिग्री लैटिट्यूड उसका माप है पैरल्स ऑफ भी पैरल सर्कल्स होते हैं जो इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं और दोनों साइड पोल्स तक जाते हैं नॉर्थन हाफ में इनको डिग्री में रिप्रेजेंट करके नॉर्थ के साथ चिन्हित किया जाता है इसी तरह सदर्न हाफ में डिग्री के साथ इनको साउथ लिख के चिन्हित किया जाता है आई होप इस इमेज के द्वारा इस कंसेप्ट को लेके क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी हुई होगी चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ नॉर्थ पोल को नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ क्यों बोलते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक इमेज की हेल्प लेंगे देखिए ये एक ये अर्थ है सेंटर पे दिस इज इक्वेटर इक्वेटर मीन जीरो डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में एट द टॉप इज नॉर्थ पोल इक्वेटर से साउथ में वी हैव साउथ पोल नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ

An इनको ग्लोब पे देखें फॉर बेटर क्लैरिटी ये देखिए ये हमारा अर्थ है हाफ डिग्री नॉर्थ दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वेंटी थ्री एंड अफ डिग्री साउथ कैंसर मतलब कर्क रखा साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ सिमिलर डिस्टेंस में अगर हम सदर हेमोस्फेयर में जाए तो जो इंपॉर्टेंट पैरल ऑफ लेटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रखा साढ़े तेईस डिग्री साउथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझते हैं जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन

जैसे कि इसका नाम से ही इसका मतलब निकाला जा सकता है टॉयलेट का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म वो जोन जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी एक्सिस्ट करती है उसको टॉयलेट जोन बोला जाता है दिस इज बेसिकली बिटवीन ट्रॉपिक 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 ऑफ 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 कैंसर कैंसर एंड एंड के बीच में जितने भी होंगे उस पूरे जोन को टॉयलेट जोन बोला जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत है इस जोन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में जितने भी लैटिट्यूड आएंगे हर लैटिट्यूड पे कभी ना कभी पूरे साल के अंदर एक बार मिड डे सन जरूर देखा जाएगा मिड डे सन मतलब जब हम दोपहरी मास हम देखते हैं तो सन एकदम सबसे ऊपर होता है एट द टॉप दैट इज कॉल्ड मिड डे सन और खासियत है टॉरिट जोन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन सारे लैटिट्यूड्स पे कभी ना कभी साल के अंदर एक बार ऐसा टाइम जरूर आएगा कि वहाँ पे उस लैटिट्यूड पे मिड डे सन देखा जाएगा अब इसको इमेज की सहायता से थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं टॉयरेट जोन को ग्लोब की सहायता से समझते हुए जैसा की हमने वहाँ पे पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन कर्क रेखा और मकर रेखा साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ और साढ़े तेईस डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है उसको टॉयरेट जोन बोलते हैं टॉयरेट जोन बोलते हैं मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है सोचा जाए क्योंकि हमें बचपन से यह पता था कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट आती है सबसे ज्यादा गर्म तो इक्वेटर को होना चाहिए यहाँ पे एक रीजन है अर्थ क्योंकि अपनी एक्सिस पे टिल्ट है तो जैसे की आप देख सकते हैं इक्वेटर एग्जैक्टली सन के सामने नहीं है ट्रॉपिक्स सन के सामने है पूरा ट्रॉपिकल एरिया सन के सामने है एंड फॉर द सेम रीजन जो ये टॉयरेट जोन है एरिया बिटवीन कर्क रेखा एंड मकर रेखा सबसे ज्यादा गर्मी इस जोन में आती है सबसे ज्यादा सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट इसी जोन पे पड़ती है इसी रीजन की वजह से इसको टॉयरेट जोन भी बोला जाता है आप सोचेंगे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के, के एरिया के बीच को ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है बिल्कुल सही बात है ट्रॉपिकल जोन ही टॉयरेट जोन होते हैं यहाँ पे एक चीज हमने समझी टॉयरेट जोन वो जोन है जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट लाइट जोन पे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच के एरिया को टॉयलेट जोन बोला जाता है इसके अंदर जितने भी लैटिट्यूड होंगे साल में एक बार ऐसा टाइम जरूर आएगा कि उन सारे लैटिट्यूड पे कभी ना कभी जो सन होगा एकदम टॉप पे दिखाई देगा मिड डे सन होगा क्लैरिटी हमें आई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जोन विच टेम्परेट जोन नेक्स्ट जोन इज टेम्परेट जोन जिसको हिंदी में समशी तोषण क्षेत्र बोला जाता है टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है टॉयलेट जोन जैसा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता टेम्परेट जोन का मॉडरेट टेपरेचर रहता है ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं टेम्परेट जोन नॉर्थ

ओवरहेड कभी नहीं हो मतलब कभी भी मिड डे सन क्षेत्र में नहीं दिखाई देगा हमेशा जो होंगी, वो बढ़ेंगे नॉर्थ पोल, पोल रहेगा वो कम होता चला जाएगा सनरेज का एंगल जब इक्वेटर पे था 90 डिग्री था अब जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएगा वो एंगल कम होता जाएगा अब जब एंगल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो सनलाइट भी कम होती जाएगी जो सनलाइट की गर्मी है वॉर्मथ है वो भी कम होती जाएगी द सेम रीजन टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर है वो एक मॉडरेट टेम्परेचर कहलाता है क्योंकि यहां पे किसी भी लैटिट्यूड पे मिड डे सन कभी भी देखा नहीं जाता इसको आगे देखते हैं इमेज की सहायता से जैसा कीमिस्फेर में भी एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन यानी मकर रेखा और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया होता, होता, होता है उसको सदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं यहाँ पे टेम्परेचर टॉरिड जोन जैसा भीषण नहीं होता यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पे रीजन समझते हैं जैसा की ये सन है सन की रेज पड़ेगी तो

अब हॉराइजन सन इस जोन में उदासीन के जोन में से कभी भी ऊपर नहीं उभरता जैसे कि इस में आप देख सकते हैं सन हमेशा पे इसी तरीके से दिखेगा कभी भी सन इससे ऊपर नहीं आएगा सनरेजिंग सन रेज होती है स्लॉटिंग मतलब जैसे अगर ये सन है और नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, है जो सन रेज है वो बहुत ही ज्यादा स्लॉटिंग जोन में जितनी ज्यादा स्लॉटिंग सन रेज रहेंगी कितनी कम इंटेंसिटी वॉर्म और हीट वो सनरेज क्रिएट करेंगी उस जोन में इसी रीजन की वजह से इस जोन को उदासीन जोन या फ्रिजिट जोन बोलते हैं टेम्परेचर बहुत ही कम होता है बायोडावर्सिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है फ्रिजिट जोन में यहाँ पे सन कभी भी क्षेत्र से ऊपर नहीं जाता और सनरेज जो है वो स्लॉटिंग होती है और इसी रीजन की वजह से जो गर्मी है इस क्षेत्र में वो बहुत ही कम होती है एक बार इमेज की सहायता से इस क्षेत्र को और डिटेल में समझते हैं टेम्परेट जोन की तरह फ्रिजेड जोन उदासीन जोन भी नर्दन हेमिसफेयर में और सदर्न हेमिसफेयर में भी होता है 66 डिग्री साउथ और 66 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड जितना भी एरिया है पोल्स पे उसको फ्रिजिट जोन यानी उदासीन जोन बोलते हैं अब जैसा कि आप लोग देख सकते थे ज़ोन में भी स्लांटिंग रेज़ तो अगर ज़ोन से हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पे सनरेज और सन मिड सन आसमान में ऊपर हमेशा ऐसा लगेगा की दूर से सन निकल रहा है लेकिन ये ना तो कभी भी इससे ऊपर जाएगा ना ही इसकी रेज स्लांटिंग से थोड़ी भी ज्यादा वर्टिकल होगा इसी रीजन की वजह से जोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है लेट्स मूव ऑन टू लाइन चैप्टर स्टार्ट करते टाइम हमने एक प्रॉब्लम देखी थी वो प्रॉब्लम थी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की किसी चीज को अगर चिन्हित करना है लोकेट करना है तो किस तरीके से करा जाएगा हमने आगे पढ़ा लैटिट्यूड्स और लोंगिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं किसी चीज को पृथ्वी पे लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड्स नॉर्थ से साउथ मूव करते थे इसी तरह लोंगिट्यूड ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे किसी प्लेस को

डिवाइड किया जाता है सेकंड्स में एज यू कैन सी दीस आर सेमी सर्कल्स ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं इनके आपस का डिस्टेंस कम हो जाता है पोल्स पे ये आके सारे मिल जाते हैं दे कन्वर्ज एट पोल्स एंड इक्वेटर पे इन सारे लोंगिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है इनकी लंबाई बराबर होती है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इसी रीजन की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू नंबर देम हेंस इट वाज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मेरिडियन एक मेरिडियन डिफाइन कर लिया जाए उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया जाए

ग्रीनविच से प्लेसेस वेस्ट है तो वो ग्रीनविच मीन टाइम के बिहाइंड होंगी नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच एक सिचुएशन मिलती है हमें 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच क्या होगा क्या समय रहेगा एज अर्थ रोटेट्स ऑन एक्सिस विद वन कंप्लीट रोटेशन इट कंप्लीट 360 डिग्री एंड इट डज दिस इन 24 आवर्स इसका मतलब जब एक बार अर्थ अपनी रोटेशन पे पूरा घूमती है तो वो 360 डिग्री कवर करती है ये 360 डिग्री कवर करने के लिए अर्थ को लगते हैं 24 घंटे इसका मतलब एक घंटे में 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है है फर्दर आर को मिनट में कन्वर्ट करें चार मिनट में एक डिग्री रोटेट करती है लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था अगर कोई भी प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच होगी तो अहेड होगी ईस्ट अहेड ग्रीनविच के टाइम से आगे क्वेश्चन में पूछा गया है फिफ्टी डिग्री ईस्ट तो डिग्री आगे फिफ्टीन डिग्री आगे का मतलब एक डिग्री निकल के आया चार मिनट फिफ्टीन डिग्री निकल के आएगा फिफ्टीन इंटू फोर यानी साठ मिनट साठ मिनट का मतलब एक घंटा एक घंटा अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम फिफ्टीन डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी वन पी एम सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ मेरीडियन चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया उसके बाद एनसीआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज

The southern hemisphere. What is a grid? Grid is a network of Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and North Pole and South Pole. Parallels of latitudes and meridians of longitudes. Yeah, this is correct. parallels of latitudes and meridians of longitudes. Structure that is called grid. Okay, let's move on to next set of questions. Let's look at some important fill in the blanks. Tropic of Capricorn is located at, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, 23 and a half

Northern Hemisphere होगा okay? यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से कम्प्लीट हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं आपको देखें उनसे नोट बनाए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करेंटिसिंग हार्ड एंड सिंपल क्लासेस विशेष यू ऑल दैंक यू